आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस Realme 3i के बारे में। ये 4GB रैम और 64GB इंटरनल वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे, इसके फीचर और प्राइस के बारे में। और जैसे कि मैंने इसके पहले ऊपर एक रिसेंटली भी वीडियो बनाया था कि कैसे मैंने इसे लाइव फ्लैश सेल से ऑर्डर किया था, तो ये फ्लैश सेल वाला ट्रिक हर चीज़ में काम करता है, चाहे कोई सा भी फ्लैश सेल हो। तो अगर आपको जानना है तो कैसे करना है तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, मैं नाम आशित गोपाल। तो चलिए बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। तो ये जो वेरिएंट है फ़ोन का, वो है 4GB रैम और 64GB इंटरनल। ये ब्लू कलर का वेरिएंट है। और जहाँ तक बात करूँ इस फ़ोन के प्राइस की, तो प्राइस काफ़ी सस्ता है। 10,000 रुपीज़ में आपको इसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिल रहे हैं और इसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच भी मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये फ़ोन का लुक काफ़ी प्रीमियम है इस हिसाब से। जैसे मैंने इसे फ्लिपकार्ट पे सर्च किया था इसके बारे में, तो इसमें जो रेटिंग था वो सबसे ज़्यादा कम इसके डिस्प्ले के दिया हुआ था, 2.4 का रेटिंग था। लेकिन मैंने इसे जैसे यूज़ किया, इसके डिस्प्ले में मेरे को उतना कुछ वो नहीं लगा कि व्यूइंग में एंगल में बेकार है या फिर कुछ है, जबकि इसका जो डिस्प्ले क्वालिटी है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। एकदम परफेक्ट सेटअप दिया इसके नॉच का। आपको नीचे 3.5mm का जैक मिलेगा, USB पोर्ट मिलेगा, बैक में दो कैमरा विथ LED फ्लैश, फिंगरप्रिंट सेंसर भी बैक में, कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिस्प्ले का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। अब देख सकते हैं ये लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो सबसे अच्छा है इसके फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। 6.22 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलेगा, 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रेयर कैमरा है बैक में और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। बैटरी इसका जोरदार है, 4230mAh का बैटरी है। और इसमें आपको MediaTek Helio P60 ऑक्टाकोर 2.0GHz का प्रोसेसर मिलेगा। सबसे अच्छा जो कि Xiaomi आजकल नहीं देता है, वो है ट्रिपल स्लॉट। ओके, सो इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट मिलेगी जिसमें आप डुअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड आराम से लगा सकते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर है और फेस अनलॉक है। और आप इसे EMI में भी परचेस कर सकते हैं 834 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। बाकी ओवरऑल बोला जाए तो ये फ़ोन लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारे कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, जैसे कि डायमंड ब्लैक, ब्लू और डायमंड रेड। ओके, सो मेरे पास जो वेरिएंट है वो है डायमंड ब्लू का वेरिएंट और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं अगर आप कलर में कंफ्यूज हैं तो आप डायमंड ब्लू के तरफ जाइए और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जहाँ तक बात करें इसमें जो मेन इसके साथ जो आया हुआ था बैक कवर, वो भी काफ़ी मोटा और अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक एक्स्ट्रा बैक कवर परचेस कर लीजिए, जो कि सिर्फ 200 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा आ जाएगा ब्लैक कलर का। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे परचेस कर लीजिए, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। सिर्फ 200 रुपीज़ से ज़्यादा का आता नहीं है, 100 रुपीज़ भी कभी कभी मिल जाता है, लेकिन 200 रुपीज़ का परचेस करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर आप अच्छा बैक कवर लगाएंगे तो फ़ोन आपका ज़्यादा दिन तक चलेगा। ओके, सो अब बात करते हैं इस फ़ोन के ओवरऑल लुक प्लस परफॉर्मेंस के बारे में। तो वैसे तो ये अभी अभी आया तो परफॉर्मेंस के बारे में मैं उतना कह नहीं सकता, मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। अगर मैं लुक के बारे में बात करूँ तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इस फ़ोन को लेकर। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना है तो मैंने जैसे ही कहा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम आशित गोपाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ।